दोस्तों महिंद्रा XUV 300 को इंडियन मार्केट में आए हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं और अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि महिंद्रा इसमें जल्दी अपडेट दे ताकि ये सेगमेंट में अच्छी पोजीशन को मेंटेन कर सके। वैसे देखा जाए तो सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में दूसरी कार्स लाइक वेन्यू, नेक्सोन और इकोस्पोर्ट को भी अपग्रेड कर इनके फेसलिफ्ट को जल्दी लॉन्च किया जाना है। खैर बात करें XUV 300 की तो जब इसे लॉन्च किया गया था तब इसमें कई बेस्ट इन सेगमेंट और फर्स्ट इन सेगमेंट और टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स के साथ इसे लॉन्च किया गया था और इन्हीं की वजह से महिंद्रा की ये पहली कार बनी थी जिसने ग्लोबल एनकैप टेस्ट में 5 out of 5 stars स्कोर करे थे। बट अब जैसे कि इसे अपग्रेड नहीं किया गया तो कंपनी इसमें जल्दी अपग्रेड देकर इसका फेसलिफ्ट जल्दी लॉन्च करेगी जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या नए चेंजेस इसमें किए जा सकते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले इसके डिजाइन की बात करें तो देखिए वैसे तो ये गाड़ी स्मार्टली डिजाइन की गई है बट कहीं ना कहीं अब ये बोरिंग भी लगने लगी है क्योंकि सेगमेंट की दूसरी कार जैसे कि सोनेट, काइगर और नेक्सोन काफी अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ आती है जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती है। बट अब इसके नए अवतार में आपको इस कार में आपको नए हेडलैम्प्स, नए टेल लैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि फ्रंट और रियर बम्पर इसमें पहले की तरह ही सेम रहने वाला है। इसके अलावा एक्सटीरियर में न्यू एलॉय व्हील्स और ड्यूल टोन एक्सटीरियर ऑप्शन भी XUV 300 के फेसलिफ्ट में देखने को मिलेंगे जिनसे कि ये पहले से ज्यादा स्मार्ट और अट्रैक्टिव लगेगी। ये तो बात हो गई एक्सटीरियर की। अब अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो इसके इंटीरियर का लेआउट वो पहले की तरह ही रहेगा बट कुछ नए और मस्ट नीडेड फीचर्स जैसे कि रियर एसी वेंट्स, न्यू टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एम्बिएंट लाइटनिंग, वायरलेस चार्जिंग और बेटर साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स इसमें कंपनी जरूर ऐड करेगी जिससे कि ये कार एक बार फिर से अपनी पहचान बना पाएगी। अब फीचर्स के अलावा सेफ्टी की बात करें तो एज यू नो कि ये कार टॉप नॉट सेफ्टी फीचर्स और अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है तो इसमें ये भी सेम ही रहेगी जो कि बढ़िया बात है। अब अगर इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा जहां पर इसमें पहले की तरह ही 1.5 लीटर टर्बो डीजल और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन इसमें रिटेन किए जाएंगे। अब जैसे कि इसमें नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे तो प्राइस भी इसका 35,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं अगर इसके फेसलिफ्ट के लॉन्चिंग की बात करें तो इसे दिसंबर या फिर जनवरी 2022 के स्टार्टिंग में लॉन्च कर दिया जाएगा। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और यहां तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ टाटा बाय बाय शब बखैर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेटेस्ट कार अपडेट के साथ। तब तक स्टे होम स्टे सेफ।